हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, महिलाओं के शरीर से डिस्चार्ज होते ही हैं। महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है, लेकिन महीने के अलग अलग दिनों में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है, ऐसे कुछ पांच तरीके के डिस्चार्ज के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मेरी सभी सहेलियों के लिए डेडिकेटेड है। सभी महिलाओं को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि महिला के शरीर से डिस्चार्ज कब कब होते हैं, किस तरह के डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके परिवार में और भी महिलाएं हैं, चाहे वो टीनेजर गर्ल्स हों, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हों, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान दे सके। अगर ये पांच बातें आपको पता होंगी महिलाओं के शरीर के डिस्चार्ज से रिलेटेड, तो आप सभी को अपने परिवार में गाइड कर सकती हैं, उनकी मदद कर सकती हैं। कई बार महिलाएं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हैं और वो जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तब वो जाती हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका जीवन बहुत सहज और सुलभ हो सके। तो आइए हम उन बातों को जानते हैं। पांच तरीके के डिस्चार्ज कौन से हैं और उसका अर्थ क्या होता है, वो क्यों होते हैं। सबसे पहला डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिस्चार्ज जो कि बहुत हेल्दी है, जो आपकी अच्छी गुड हेल्थ को बताता है, वो पारदर्शी हो सकता है। पारदर्शी से लेके हल्का सफ़ेद रंग का, थोड़ा गहरा मिल्की कलर तक हो सकता है। तो ये डिस्चार्ज क्या बताता है? पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद में हल्का सफ़ेद सा डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपके हॉर्मोन्स की सही कंडीशंस को बताता है। साथ ही जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनको भी ऐसा डिस्चार्ज हो सकता है। ओविलेशन के समय आपको बिल्कुल चिपचिपा पारदर्शी पानी के रंग का, जो कि पारदर्शी होता है, ऐसा डिस्चार्ज हो सकता है। ये भी आपके शरीर की गुड हेल्थ को बताता है। दूसरा डिस्चार्ज जो कि क्रीमी हो सकता है, कर्ड दही के जैसा हो सकता है, मिल्की हो सकता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको हो रहा है महीने के किसी भी दिन में, साथ ही आपको जलन हो रही है, निचले अंगों में आपको जलन है, खुजली है और काफ़ी इरिटेशन महसूस कर रही हैं, तो ये एक फंगस इन्फेक्शन का लक्षण है। और ऐसा होते ही आपको अजवाइन के पानी को यूज़ करना है वॉश के लिए। साथ ही कोकोनट ऑयल, जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। बिना मेडिसिन के आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और जब भी कभी हो तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें, इन्फेक्शन धीरे धीरे होना ही बंद हो जाएंगे। तीसरा जो डिस्चार्ज है, डार्क रेड हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, हल्की फुल्की क्लॉटिंग हो सकती है विदाउट पीरियड। आपको पीरियड नहीं आया है, आपके पीरियड की डेट अलग है, लेकिन महीने के अलग दिनों में पीरियड्स के अलावा आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, आप यूरिन पास करते हैं तब आपको कुछ क्लॉट्स हल्के फुल्के ब्राउनिश से मालूम पड़ते हैं, या फिर कभी कभी अचानक से स्पॉटिंग होती है, वो अपने आप रुक जाती है। तो ये क्या बताता है? ये आपको फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस का संकेत देता है। अगर ये नहीं है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होते हैं, इसलिए इसका रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसके लिए आपको संतुलित आहार, सही एक्सरसाइज और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। तो पीरियड्स कैसे ठीक करने हैं, हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस करने हैं, उसके लिए रेडीमेड इंस्टेंट तरीका क्या है, घरेलू उपचार क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर की हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको फॉलो कर सकते हैं। अगला जो डिस्चार्ज है वो येलो कलर का हो सकता है। तो कई महिलाओं को ऐसा डिस्चार्ज होता है, इसका क्या अर्थ है, ये क्यों होता है? फ्रेंड्स, जब भी येलो कलर का महिलाओं को डिस्चार्ज होगा तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ी इचिंग, थोड़ी स्वेलिंग, रेडनेस, यूरिन करने में जलन हो सकती है, ये इन्फेक्शन का संकेत है। लेकिन ये इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, आपको गोनोरिया हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, आपको किसी और तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार हमारे खान पान की वजह से भी इस तरीके का डिस्चार्ज आता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगे आप तुरंत घरेलू उपचार के साथ ही आप डॉक्टर को भी कॉन्टेक्ट करें और अपनी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई गंभीर इन्फेक्शन हो और जितना आप देरी करेंगी उतना वो बढ़ता जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगला डिस्चार्ज आपको ग्रे कलर का हो सकता है। ग्रे कलर के डिस्चार्ज का अर्थ क्या होता है, वो हमें क्या बताता है? चाइल्ड बियरिंग एज यानी कि 18 के बाद से लेके 45-40 के अंदर तक जो महिलाएं होती हैं उनको अक्सर ऐसा डिस्चार्ज मालूम पड़ता है। ऐसी 30% महिलाएं हैं जिनको ग्रे डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ग्रे डिस्चार्ज क्यों होता है, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है। ग्रे के सिवा
कई बार ग्रेट डिस्चार्ज के सिवा उनको पारदर्शी सा चिपचिपा भी डिस्चार्ज आ सकता है। इसको बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहा जाता है और ये डिस्चार्ज अक्सर आपको संपर्क के बाद, पीरियड्स से पहले या फिर पीरियड्स के तुरंत बाद में महसूस हो सकता है। तो ग्रेट डिस्चार्ज बिल्कुल डेंजर साइन है, आपको इसको सीरियसली लेना है और अपनी जांचें करवानी है ताकि आप सही इलाज लेके अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल 5 तरीके के डिस्चार्ज जो आपकी गुड हेल्थ को बताते हैं। सबसे पहला था ट्रांसपेरेंट, उसके साथ ही मिल्की या क्रीमी डिस्चार्ज हो सकता है जो कि गुड हेल्थ बताता है। येलो डिस्चार्ज, ग्रे डिस्चार्ज आपने जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कभी ऐसी समस्या आएगी तो उसे आप तुरंत हल कर लेंगे। साथ ही अपने निचले अंगों को स्वस्थ रखने के लिए कॉटन के अंडरगारमेंट्स का आप यूज़ करें। हाइजीन अच्छा रखें, अपने अंडरगारमेंट्स को खुली धूप में सुखाएं ताकि जर्म्स खत्म हो जाएं। साथ ही पानी को अंदर तक डाल के अंगों को बिल्कुल भी ना धोएं, इससे वहाँ के गुड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का इकोसिस्टम होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को आप अंदर तक यूज़ ना करें, साबुन को अंदर तक बिल्कुल यूज़ ना करें, इससे आप हेल्दी रहेंगी। खट्टे फलों का इस्तेमाल करें, संतरा है, नींबू है, दही है, ये आपके बड़े पीएच को ठीक रखता है, साथ ही आपके निचले अंगों के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। Thanks for watching.